असिस्टेंट की तरह काम करने लगे फर्दर डेविस अपॉइंटेड एज असिस्टेंट डेविसल जोग्रफी इन एटीन एटी फाइव और एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उसके बाद एटीन नाइनटी नाइन में वो प्रोफेसर ऑफ जोग्राफी की पद पर प्रमोट कर दिए गए थे और डेविस इस पोस्ट पर अपने रिटायरमेंट तक रहे और उनका रिटायरमेंट की जो ईयर था वाइनटीन हंड्रेड एंड ट्वेल्व साथ ही साथ ही अ विजिटिंग प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन बर्लिनटीड नाइन एंड सर्बन यूनिवर्सिटी इन एंड नाइन ट्व एंड अल्टीमेटली ही died ऑन February फाइव नाइनटीन थर्टी फोर इन कैलिफोर्निया तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया विलियम और डेविस की लाइफ के बारे में इसके बाद हम लोग विलियम और डेविस के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे तो डेविस इज रिगार्डेज अ फादर ऑफ न्यू ज्यूमरफोलॉजी विलियम और डेविस ने जो ज्यूमरफोलॉजी है इसक, इस इस सब्जेक्ट को रेवोल्यूशनइज किया था और ही हैडरमिनिस्टिक अप्रोच और जो डेविस थे ये डारमिजम के बहुत बड़े सपोर्टर थे और ये जो डारविन थे उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे तो जब ये शेलर के साथ काम कर रहे थे जिनके बारे में मैंने बताया जो कि बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट थे तो उन्होंने बहुत सारा केयरफुल फील्ड ऑब्जर्वेशन किया और उसको अपने uh, कामों में जो उन्होंने फर्दर वर्कस किए उसको यूज़ किया उसमें जो डेविस थे उन्होंने एक साइकिल ऑफ लाइफ को बताया जिसमें उन्होंने बर्थ योथ एडोलेसेंस मेचोरिटी एंड ओल्ड एज मतलब जो ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में डिस्कशन किया था और फिर उसी साइकिल ऑफ लाइफ को यूज़ करके उन्होंने साइकिल ऑफ फ्लूवियल लैंडस्केप इवोल्यूशन को डिस्कस किया था सो so, इन 1899 उन्होंने एक जोग्राफिकल साइकिल की थ्योरी पोस्टुलेट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और उन्होंने ये क्यों बनाई टू इन ऑर्डर टू प्रेजेंट अः जेनेटिक क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडफॉर्म्स तो लैंडफॉर्म्स को कैसे डिस्क्राइब करें कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ उन सब चीज़ों को समझाने के लिए उन्होंने जोग्राफिकल साइकिल को प्रपाउंड किया था एटीन में बहुत से लोग इस तो प्रोसेस को साइकिल ऑफ इरोजन ही बोलते हैं लेकिन उन्होंने ये बोला कि जोग्राफिकल साइकिल ज़्यादा प्रेफरेबल है इन कम्पेयर टू साइकिल ऑफ इरोजन उन्होंने अपना ट्रायो दिया जिसको हम लोग ट्रायो ऑफ डेविस बोलते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है जो, जो जोग्रफिकल साइकिल है इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में अभी हम लोग डेविस के फर्दर कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं सो so, जो डेविस ने एक पेपर बनाया था जिसका नाम था एन इंडक्टिव स्टडी ऑफ कंटेंट ऑफ़ जोग्राफी नाइनटीन में तो उन्होंने ये बताया कि जो उनकी अप्रोच थी जोग्राफी की वो सिर्फ इसलिए थी ताकि वो एक जनरलाइज्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता सके और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में तो उन्होंने दो चीजें बोली पहला इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ ओके जो कि कंट्रोलर की तरह काम कर रहे हैं और जो ऑर्गेनिक इन्ेबिटेंट्स हैं वो रिस्पांस की तरह काम कर रहे हैं तो उन्होंने दो चीजें बोली इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और ऑर्गेनिक इन्ेबिटेंट ओके तो इनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था डेविस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर जिसको ए ए जी बोलते हैं इसको सेटअप किया इसकी स्थापना की नाइनटीन फोर में और ये अभी भी, भी एक प्रीमियर एसोसिएशन है प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो एसोसिएशन है जो इंस्टीट्यूशन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉप रैंकिंग जोग्राफिकल जर्नल पब्लिश करती है जिसका नाम है द एनल्स या द ओके okay, और जो डेविस थे वो एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स के पहले प्रेसिडेंट भी बने थे साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद जो डेविस थे ये बहुत ही यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग लेक्चर की तरह काम किया और अल्टीमेटली इन्होंने कोरल रीफ्स और कोरल आइलैंड्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया जिसकी वजह से उनकी एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था द कोरल रीफ प्रॉब्लम किस साल किस साल में नाइनटीन में उन्होंने 500 से ज्यादा पुण, वर्क पब्लिश किए जिसका नाम फिजिकल जोग्राफी जोग्राफिकल एस एस ऑरिजिन केवं एट्सट्रा तो ये तो हो गया इन जनरल द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डेविस अब हम लोग देखेंगे जो उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है जो जोग्रफिकल uh, साइकिल है उसको डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे अब तो सबसे तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं तो जो डेविस है इन्होंने एक साइकिल कॉन्सेप्ट को रखा था और इन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट है ये एक रिवर के रिवर के साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में डिस्कशन किया था और उन्होंने जो अपना जोग्राफिकल साइकिल है इसमें यह बताया कि कैसे टाइम के टाइम थ्रू टाइम जो डेवलपमेंट होता है लैंडफॉर्म्स का और सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है लैंडफॉर्म्स का उन्होंने इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था जो बेसिक आइडिया था इनकी थ्योरी का उन्होंने ये बताया कि जो कि जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ये टाइम के थ्रू चेंज होते रहते हैं और टाइम के थ्रू कैसे चेंज होते हैं उनकी स्टेजेस होती हैं यूथ मैच्योर और ओल्ड से जैसे साइकिल ऑफ लाइफ होता है ह्यूमन लाइफ होता है यंग मैच्योर और ओल्ड वैसे ही लैंडफॉम्स की स्टेजेस होती हैं और इसमें जैसे इस जो चेंज हो रहे हैं सिक्वेंशल चेंज हो हैं, जो चेंज हो रहे हैं इसकी वजह से लास्ट में एक एंड प्रोडक्ट बचता है जिसको इन्होंने क्या नाम दिया पेनी प्लेन डेविस के हिसाब से तीन फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं जो लैंडफॉर्म के ओरिजिन और ट्रांसफॉर्मेशन में या डेवलपमेंट में वो तीन फैक्टर्स कौन से हैं स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम इसको हम लोग ट्रायो ऑफ डेविस बोलते हैं तो उन्होंने क्या बोला लैंडस्केप लैंडस्केजन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम तो इसमें स्ट्रक्चर क्या है स्ट्रक्चर इज अ रॉक टाइप मतलब लिथोलॉजी क्या है उस पर्टिकुलर एरिया की कैसे स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फोल्डिंग हो रही है फॉल्टिंग हो रही है ज्वाइंट एटसेट्रा रॉक्स मतलब रॉक्स के बारे में है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या रॉक स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का नेक्स्ट इज टाइम टाइम को इन्होंने टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट में नहीं यूज़ किया था लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे चेंज इन लैंडफॉम्स देखे जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे लैंडफॉम्स में भी चेंज देखा जाएगा द लास्ट इज प्रोसेस प्रोसेस में हम लोग सारे एजेंट्स ऑफ डेनोडेशन जिसमें वेदरिंग इरोजन इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं सो so इसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिक प्रोमिस ऑफ डेविशन मॉडल मतलब बेसिक एक्जम्शन क्या थे डेविस के तो पहला था कि लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो एंडोजेनेटिक और एक्जोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ पर लग रहे हैं उनके इंटरेक्शन की वजह से इवॉल्व होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस में चाहे हम सडन फोर्सेस की बात करें चाहे डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की बात करें चाहे ओरोजेनेटिक की चाहे अपेरोजेनेटिक की या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में हम लोग वेदरिंग की बात करें इरोजन की बात करें तो ये सब सारे फोर्सेस जब इंटरेक्ट करते हैं तब लैंडफॉर्म्स का इवोल्यूशन होता है उसके बाद जो सेकंड एक्जेंशन था या सेकंड प्रमिस था वो ये बोलते हैं कि जो लैंडफॉर्म्स का एवोल्यूशन है ये ऑर्डरली मैनर में होता है जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यूथ स्टेज मेचोरिटी स्टेज और यंग स्टेज सॉरी ओल्ड स्टेज थर्ड इज स्ट्रीम्स इरोड देयर वैलीज रैपिडली डाउनवर्ड अंटिल द ग्रेटर कंडीशन इज अचीव्ड कि ये बोलते हैं कि जो स्ट्रीम्स होती हैं रिवर्स होती हैं ये अपनी वैलीज को डाउनवर्ड की तरफ इरोड करती हैं मतलब नीचे इरोड करती हैं वैली डीपनिंग करती हैं जब तक उस पूरी वैली का ग्रेडेड कंडीशन अचीव नहीं हो जाता उसके बाद वो बोलते हैं देर इज अ शॉर्ट पीरियड रैपिड रेट ऑफ अपलिफमेंट ऑफ लैंड मास ये बहुत ही वेग एजशन था इनका इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया बाद में एंड लास्ट जो इनका प्रेमिस था वो था कि एरोजन डज नॉट स्टार्ट अंटिल द अपलिफमेंट इज कम्प्लीट उनका ये मानना था कि जब तक अपलिफ्टमेंट नहीं हो जाता जब तक लैंड ऊपर तक ऊपर नहीं आ जाता बाहर नहीं आ जाता तब तक इरोजन स्टार्ट नहीं हो सकता सो so, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो अपलिफ्टमेंट और इरोजन है ये एक साथ नहीं हो सकता सो so, इस पॉइंट को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था बाद में सो so, अपने मॉडल को समझाने के लिए डेविस ने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ बना हुआ है इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जैसे कि यूसी यू सी रिप्रेजेंट्स अपर कर्व कौन सा कर्व है ये कि जो जितने भी हिल टॉप्स होते हैं क्रेस्ट ऑफ वाटर डिवाइड होते हैं इनको हम लोग अपर कर्व में लेते हैं ठीक है नेक्स्ट इज लोअर कर्व दैट इज एल सी इसमें हम लोग वैली फ्लोर्स की मतलब जो माउंटेन के बेसिस होते हैं वैली फ्लोर्स इसको हम लोग एल लो सी इस लाइन को हम लोग एल लो सी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं डेविस ने एक्स एक्सेस पे टाइम लिया और वाई एक्सेस पे एल्टीट्यूड लिया उसके बाद जो ए सी है ए सी रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम एब्सोल्यूट रिलीफ मतलब ये पूरे डायग्राम में सबसे ऊंचा पॉइंट है ए सी ओके नेक्स्ट इज बी सी बी सी रिप्रजेंट एवरेज इनिशियल रिलीफ मतलब कि डिफरेंस बिटवीन अपर कर्व एंड लोअर कर्व लोअर कर्व मतलब जो अपर कर्व है यानी कि एब्सोलूट रिलीफ है हिल टॉप है उसको अगर हम लोग वैली फ्लोर का जो हाइट है उससे माइनस कर देंगे तो हम लोग को इनिशियल एवरेज रिलीफ मिल जाएगा सो so, अगर आसान भाषा में समझें तो इनिशियल रिलीफ या रिलीफ इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस जो हाइएस्ट पॉइंट है लैंड का और द लोएस्ट पॉइंट है लैंड का दैट इज द एवरेज इनिशियल रिलीफ ओके उसके बाद लाइन ए लाइन रिप्रेजेंट बेस लेवल ओके तो बेस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बेस लेवल यहाँ पर क्या लिया गया है सी लेवल कि इस लेवल के नीचे ओके okay, इस बेस लेवल के नीचे अब रिवर इरोड नहीं कर सकती सो बेस लेवल इस डेड लाइन कि इस इस लेवल के नीचे अब रिवर अपना इरोजन का काम नहीं करेगी सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेस लेवल बेस लेवल का कॉन्सेप्ट जो है वो पॉवेल ने दिया था सबसे पहली बार

जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इरोजन तभी स्टार्ट होगा जब अपलिफ्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा साथ ही साथ जो टॉप सरफेस ऑफ समिट्स होते हैं मतलब जो चोटियां होती हैं पर्वत की जो समिट्स होते हैं उसके ऊपर इरोजन का कोई काम नहीं होता है सो so, इस स्टेज में यूथफुल स्टेज में दो काम करती है रिवर्स पहला स्ट्रीम लेंथनिंग एंड दूसरा वैली स्ट्रीम स्ट्रीम लेंथनिंग का मतलब जब जो रिवर्स होती हैं या ट्रिब्यूटरीज होती हैं जब वो चल रही होती हैं जब वो मूव कर रही हैं तो उनके सामने जो जो भी मिलेगा उसको वो इरोड कर देंगी जैसे कोई भी पत्थर मिला या कोई भी चीज़ मिली तो उसको उन्होंने इरोड कर दिया जिसकी वजह से वो लेंथ वाइज इंक्रीज़ कर रही हैं अपनी वैली को इंक्रीज कर रही हैं सो so, इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रीम लेंथनिंग बोलते हैं सेकेंड इज़ वैली डीपनिंग क्योंकि जो जब यूथफुल स्टेज है तो स्लोप जो है पहाड़ है तो स्टीप स्लोप है और स्टीप चैनल ग्रेडियंट है इसकी वजह से जो ये रिवर्स है